बरसात के बाद एकदम साफ सुथरा मौसम, दूर दूर तक कोई धुआं धूल धक्कड़ कुछ नहीं, प्रकृति बिल्कुल नहा धो करके स्वच्छ हुई खड़ी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरी। लोगों ने भाई कपास और ग्वार बाजरा बो रखा है इस समय, क्योंकि प्री मानसून की ये बरसात बढ़िया तरीके से हो चुकी है। और अब ये देखो कितना बढ़िया साफ सुथरा वातावरण लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कौन सा टाइम बोलते हैं इसको, गोधूली, कि सूर्य बिल्कुल डूब चुका है, गोधूली का टाइम है। ये दिख रहा है थोड़े बादल है, बादलों में पीछे सूर्य है, आधा बाहर आधा भीतर, यानी दिन और रात का संधि काल है, बिल्कुल डस्क पीरियड है ना ये। तो इस समय पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं, बहुत ही साफ सुथरा वातावरण है, आसमान में थोड़े थोड़े बादल हैं। ये देखिए चारों तरफ का ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय, और हवा भी इतनी साफ सुथरी लग रही है कि फेफड़ों में जितनी हवा भरते हैं आराम से हो रहा है भाई। और ऐसे मौसम में घूमना चाहिए बाहर निकल के दूर दूर तक, प्रकृति को मन की आंखों से देखना चाहिए ध्यान से, कि उसमें कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, और वो कैसे साफ सुथरे हुए खड़े हैं। ये प्रकृति का संतुलन है कि हम जितनी गंद फैलाते हैं प्रकृति उसको अपने तरीके से साफ कर देती है। अरे भाई जब हम ज्यादा ही गंद फैलाएंगा तो प्रकृति फिर ठाडम जोर साफ करेगी। मालथस ने कहा था ना, या तो तुम सुधर जाओ ना, प्रकृति तुम्हें सुधार देगी, और उसके जो मेजर्स हैं वो सुधारने के तरीके हैं वो तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे। तो भाई पेड़ पौधे तो लोगों ने बहुत ज्यादा काट दिए हैं, 1/3 बचे मेरे देखने देखने में, लगाने चाहिए भाई, अंदर नहीं लगाओ तो पाड़े बहुत हैं, पाड़ों के ऊपर लगा लेने चाहिए। तो ये है प्रकृति का मनमोहक दृश्य, देखिए आप सूर्य डूब रहा है कितना सुंदर लग रहा है इस समय, ये देखो इस समय हम पंडित पूर्णमल शर्मा खड़ा में खड़े हैं, क्योंकि आज बरसात हुई है शाम के टाइम, इसलिए बच्चे यहाँ व्यायाम के लिए नहीं आए।